तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से करता हूँ स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं TNPL के मैच नंबर 26 के बारे में, जो होने वाला है स्पार्टन्स और डिंडीगुल के बीच में। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती की डिंडीगुल टीम और स्पार्टन्स की कार्तिक कौशिक गांधी की टीम, ये दोनों ही टीमों के बीच मैच होने वाला है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मैच विनर कौन होगा, टॉस विनर कौन होगा, टॉप परफॉर्मर कौन होगा, पिच रिपोर्ट क्या होगी, मैच का हाल कैसा होगा, मैच का सारा प्रिडिक्शन हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन हाँ, यदि आप ट्रेडिंग करते हो, यदि आपको इसी मैच में जैकपॉट एंट्री चाहिए, सेशन ड्रीम इलेवन टीम चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो कि भैया इस मैच में एंट्री कब करना है ना, सेशन और साथ ही जैकपॉट एंट्री और लॉस कट बुक सेट, ड्रीम इलेवन टीम में कौन सी खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, पूरी की पूरी ड्रीम इलेवन टीम आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करें, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वह लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मैच की। मैच नंबर 26 जो होने वाला है दोस्तों, 3 जुलाई यानी कि सोमवार को, लकी नंबर आज का 3 हो गया और दिन आज का सोमवार हो गया। यदि बात करते हैं दोस्तों डीडी की, डिंडीगुल का जो स्वामी है दोस्तों वो चंद्रमा है और दिन आज का सोमवार है, मतलब पॉजिटिव पॉइंट जाकर डिंडीगुल की टीम को। यदि बात करते हैं स्पार्टन्स की, इनका जो स्वामी है वो शनि स्वामी है, एक नेगेटिव पॉइंट लेके आएगा स्पार्टन्स के लिए। यदि हम दोस्तों बात करते हैं कप्तानों की, वरुण चक्रवर्ती शुक्र स्वामी नेगेटिव पॉइंट, कौशिक गांधी बुध स्वामी अगेन नेगेटिव पॉइंट। यदि बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, आज का लकी नंबर 3 है, तो डीडी का लकी नंबर 7, तो स्पार्टन्स का भी लकी नंबर 7, और कैप्टन वरुण चक्रवर्ती का लकी नंबर 2, तो कौशिक गांधी का भी लकी नंबर 5, यानी कि न्यूमरोलॉजिकली थोड़ा सा जो पॉजिटिव पॉइंट है वो स्पार्टन्स की ओर झुका हुआ है इस न्यूमरोलॉजी का। बट टॉस कौन जीतेगा, तो दोस्तों आपको टॉस विनर जो है वो मिलने वाली है दोस्तों डिंडीगुल की टीम। जी हाँ, डिंडीगुल यानी कि दोस्तों वरुण चक्रवर्ती के पक्ष में सिक्का गिर सकता है। मैच कौन जीतेगा, तो पिच रिपोर्ट की बात कर दूं, इंडियन सीमेंट कंपनी ग्राउंड में मैच होने वाला है, जहां पर बैटिंग सेकंड जो टीम करती है अधिकतर मैचेस को जीत जाती है। एवरेज स्कोर 149 का है, हाई स्कोर 206 का है और हाईएस्ट चेज 190 ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, यदि बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्पिनर्स अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं और वरुण चक्रवर्ती एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे साबित होने वाले हैं। हेड टू हेड की बात करते हैं, 7 मैच हुए हैं, 4 जीती है डीडीगुल ने और 3 जीती है यहाँ पे स्पार्टन्स ने। रिसेंट परफॉर्मेंस किस टीम की बेहतर है, तो पिछले 5 में से 4 मैच जीती है डिंडीगुल, वही मात्र 2 मैच जीती है स्पार्टन्स की टीम, यानी कि यहाँ पे डिंडीगुल की फॉर्म काफी अच्छी दिखाई पड़ती है। यदि बात करते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मर की, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे शिवम सिंह, श्रवण कुमार, सनी संधू, आदित्य गांधी और वरुण चक्रवर्ती, ये काफी अच्छी यहाँ परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं मैच विनर की, लेकिन एक बार फिर रिपीट कर दूं, यदि आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो इसी मैच में जैकपॉट एंट्री पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए बात करते हैं विनर की, मेरे अकॉर्डिंग इस मुकाबले में फॉर्म को देखते हुए, न्यूमरोलॉजी पॉजिटिव पॉइंट को देखते हुए, इस मुकाबले में आपको दोस्तों जो डिंडीगुल की टीम है वो मैच को जीतती दिखाई दे सकती है। जी हाँ, डिंडीगुल इज द विनर ऑफ दिस मैच। बाकी फाइनल एंट्री, जैकपॉट एंट्री, डीम 11 टीम, सेशन और साथ ही फाइनल सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन हो जाइए और प्रॉफिट में रहिए। मिलता हूं अपने अगली वीडियो में, कल सुबह फिर आ रही है वीडियो 7:30 बजे, रेडी रहिएगा। तब तक के लिए जय सिया राम।